ऑब्जेक्शन जज साहब, खामोश खामोश। अदालत आपसे खामोशी की तवक्को रखती है। ऑब्जेक्शन ओवर। सितारा से मुआशका तो आपका चल रहा था। मैं समझना यह चाहता हूं कि सितारा से आपके ताल्लुकात मुनक़द होने की वजह क्या थी। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक शादीशुदा शख्स हूं। तो यानी आपको यह खदशा था कि सितारा से मुआशके का हाल आपकी बीवी को मालूम हो जाएगा। क्या आपकी दानिश में एक शादीशुदा शख्स का अपनी बीवी की मोहब्बत के ख्याल में और अपनी ऐज़दवाजी जिंदगी के वक़ार और पाकिजगी को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ताल्लुक से किनारे कश हो जाना मुमकिन नहीं? देखिए, अगर इस तकल्लुफ को जरा बालाए ताक रख दिया जाए तो कम अज कम वक्त की कुछ बचत हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि मैं अपनी बीवी की मोहब्बत के इकरार करने में तकल्लुफ से काम ले रहा हूं? माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं कोई नौजवान नहीं हूं कि अपनी बीवी की मोहब्बत का इजहार किसी नुमाइश के खास से कर रहा हूं। और मैं शायर हूं कि मुझे अपने अल्फाज की डिक्शनरी में माने के सिवा और कोई माने डाले जाने का इम्कान हो। मैं पुख्ता उम्र का शख्स हूँ और मेरी उम्र कम 55 साल होगी। मैं यहाँ एक अरसे से गाड़ियों का बिजनेस कर रहा और शहर की कारोबारी दुनिया में मेरी सदाकत की, मेरी शराफत की, मेरी बतानत की साख है। मेरी शादी को 19 साल का अरसा गुजर चुका है और इन हालात में अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है तो आपको चाहिए कि शरीफ आदमी के अल्फाज पर आप यकीन करें। शरीफ शख्स तो क्या ये शरीफ शख्स खुद ये वाजे करने की कोशिश करेगा कि जब उसको अपनी अज़दवाजी जिंदगी का और मुआशरे में उसके मुकाम का इतना बड़ा एहसास था तो ये मुआशका हुआ क्यों? अहदा को हाजिर और नाजर जान कर कहना चाहता हूं कि मैं इस चीज से कोसे दूर था जब मैं दूसरों के इस किस्म के माशरे देखता था। उस वक्त भी ऐसी कोई ख्वाहिश मेरे दिल में इस किस्म का एहसास पैदा नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी बीवी मेरे लिए एक गहरी जरूरत और एक लाजमी जस बन चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद न जाने बेखबरी के किस आलम में और होश आवाज की किस खुलौतगी में एक नई और अनोखी ताकत कुव्वत पकड़ती हुई मुझ पर मुसर्रत हो गई जिससे मैं यकसन नावाकिफ था। फिर के बाद जो कुछ हुआ जब जब हुआ मैं ठीक ठीक आपसे अर्ज किए देता हूं। वो हफ्ते की शाम थी। मैं अपनी बीवी अजरा को कराची के ट्रेन में सवार करने के लिए रेलवे स्टेशन गया था।
कहा था कि आधे घंटे ट्रेन लेट है, मेरे ख्याल में बस अब पहुंचने वाली होगी। यकीन है कि तुम एक हफ्ते में लौट आओगी। देखो मुन्नी की जचकी हो जाए तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है वहां रहने का कोई जवाब नहीं। अगर आपा ने रुकने के लिए स्टार्ट किया। आपा को क्या पता नहीं है कि तुम यहाँ घर पर अकेले हो। समझ रखो इंतजार रहेगा मुझे। मुझे भी तुम्हारा बहुत ख्याल रहेगा। ट्रेन आ गई है। सीट नंबर 6। तुम हो? मैं घबरा गई, पता नहीं कौन इस कदर करीब आ गया। हमारी इन उम्रों में इतने करीब से कौन देखेगा। नहीं नहीं, मैं ये समझ रही थी कि तुम चले गए हो। अच्छा सुनो, क्या ही नहीं हो सकता कि कराची पहुंच के तुम लार दे दो। लो उसकी क्या जरूरत है भला, अकेली जा रही हो, लंबा सफर है, तरह तरह के बहम मुझे बेचैन करते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, दे दूंगी तार, दे दूंगी, अब खुश हो। लो भाई हो गया वक्त। अच्छा सुनो एक बात याद रखना, रोजाना दोपहर को आराम करना है 1 घंटा, और वो दलिया का डब्बा लाके मैंने अलमारी में रख दिया है, उसे खाना है भला किस चीज के साथ? क्रीम के साथ। क्रीम के साथ। खुदा हाफिज़। जब तक ट्रेन नजरों से ओझल न हो गई मैं बराबर उसे तकता रहा। जो लोग दूसरों को सवार कराने आए थे वो रुखसत हो रहे थे, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा था। अर्शद साहब आए सर। अच्छा ठीक है, उनको इधर ही ले आओ। और सुनो चाय भी ले आना। मुमताज एक मिनट, वो जो बेगम साहब आज शिजान से रोल लेकर आई थी ना, वो भी ले आना। जी सर। यार आज गाड़ी फिर खराब हो गई। फिर धक्का देना पड़ा, वर्कशॉप भी बहुत दूर थी। ये खोए खोए क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस यार आज अजरा एक हफ्ते के लिए कराची गई है, तो बोरियत सी है। नई कार कब दिलवा रहे हो यार? बखुदा ये कार तो छकड़ा होगी। अच्छा अर्शद,
ये कारोबार की जो बातें ना, ये दफ्तर में क्या करते हैं? अच्छा चलो दफ्तर पहुंच जाएंगे। तो फिर क्या करने की इरादे हैं? घर ही में रहूंगा और क्या है? क्या कह रही थे? हफ्ते की शाम घर में रह के क्या करोगे? सो रहूंगा और क्या। आफरीन है तुम पर और तुम्हारे आदाब इस्तवाज पर। यार इसमें आदाब की क्या बात है? मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, शादी के बाद हम हमेशा यकजा रहे हैं, चुनाचे जाहिर है अब इस वक्ती जुदाई से बेकली सी महसूस कर रहा हूं। यार हम सदा कमारे तो मुस्तकिल एक बेकली में गिरफ्तार रहते हैं, मगर हमसे इसको रफा करने का सबक तो पूछो। क्या करते हो तुम? लो चाय। जाओ भैया जाओ। शाबाश। हम तो वहां जाते हैं यहाँ जहाँ हल्की हल्की मौसीकी हो, बातचीत बहस मुबासे, बल्कि यूं कहो कि जबानी लड़ाई बड़ाई से ऐसी तस्कीन हासिल होती है कि घर आते ही आराम से मीठी नींद सो जाते हैं। है? फिर क्या कर रहे उकताया? अगर उठ जाऊंगा। हाँ बड़े शौक से कपड़े तरह ढपके पहन। चलो चलो जाओ। हाय कमिंग जिमी। कमिंग कमिंग। ओके मालूम होता है कि मैं तुमको तुम्हारे दोस्तों की सोबत से महरूम कर रहा हूँ। अरे नहीं साहब, जो सोबत रोज मयसर हो उससे महरूमी कैसे। अब ये बताइए जगह पसंद आई आप? कम लोग, एक गोशा, हल्की हल्की मध्यम सी रोशनी, मीठे सुरों में मौसीकी, सिगरेटों का धुआं कहीं कहीं आह बल खाता हुआ। And that is why... बस ये है कि यहाँ बैठना बामानी उसी सूरत में हो सकता है जब सरगोशियों में बात करने के लिए जिनसे मुखालिफ का कोई फर्द मयस्सर। When you're in love, when you're in love, Ashan Uncle, hey Sitara, come, aja, aja. Hey, socha tha pyar na kare. आएगी देखना और आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आजा 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 हमारी मेज पर बैठ जा। तेरी तो जरूरत महसूस हो रही थी। डेविड ने इनवाइट कर रखा है। हाँ तो फिर डेविड आया क्यों नहीं? ना जाने कहाँ रह गया। वादा तो 6 बजे का था, कहता था क्रीम रोल खिलाएगा। मगर अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं। तो हम ही खिलाएंगे क्रीम रोल। सचमुच? हाँ। मगर कितने? हाफ डजन। हाय यू आर सो स्वीट। ओके ए बेटा, हाफ डजन क्रीम रोल। तो इनमें से तो किसी और को हिस्सा नहीं मिलेगा, आपके इन दोस्त को भी नहीं। By the way, इनकी डेफिनेशन? ये मिस्टर इफ्तिखार हैं, बीवी के गुलाम हैं, बीवी के। और ये सितारा, सितारा खुश वक्ती के गुलाम। तो क्यों ना हो, भूख अच्छी और दिमाग बांझ नहीं, इसीलिए खाने पीने और बकने की कोई ना कोई सूरत बनी रहती है। मसलन अब ये कॉफी पीने की सूरत आ गई, मगर इसमें प्यालियां तो सिर्फ दो हैं, तीसरी प्याली लाओ बॉय।
वो प्याली आप दोनों में से किसके लिए होगी? मेरा ख्याल है अंकल के लिए। बनाऊं कॉफी मिस्टर इफ्तिखार? जी। चीनी 2 चम्मचे। चलो ठीक है। और क्रीम? जी बस ये काफी है। पीजिए कॉफी। आपकी बीवी के हाथ की बनाई हुई कॉफी के मुकाबले में बुरी तो नहीं? जी बहुत अच्छी। परफेक्टली डिलाइट। तुम किस सोच में पड़ गए अंकल? सोच रहा हूँ अगर तेरे बजाय किसी मर्द को मेज पर बुला लेता तो घाटे में ना रहता। एक्सक्यूज मी, इश्को आशिकी की बातों में बुलाया था मुझे, करूं? तो मिस्टर इफ्तिखार, ये बताइए कि शादीशुदा लोगों में बनिस्बत कवारों के ज्यादा कशिश क्यों होती है? शराब शराब। वेरी वेल, लो मेरे क्रीम रोल भी आ गए, अब खुद ही बनाओ और खुद ही पियो कॉफी। कितने खस्ता करारे और अंदर क्रीम की ऐसे भरे हुए और फिर मीठे मीठे हल्के हल्के। आपके ऑर्डर पे ये क्रीम लग गई है। आम और क्रीम रोल खाते हुए ऐसी बातों का ख्याल नहीं करता। आपके बच्चे हैं मिस्टर फिकार? जी जी नहीं। बड़ी अच्छी बात है। क्यों? मैंने देखा है बच्चों वाले आमतौर पर ज्यादा मिलनसार नहीं होते। कहीं 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 ताल्लुकात कायम करने की इरादे तो नहीं बना रही तू? किसी भले मानस से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने में कोई बुरी बात है क्या? तेरे लिए नहीं ना, इनके लिए तो जरूर होगा। क्यों? अरे ये बड़े रख रखाव वाले आदमी है, ये बड़े बड़े होटलों में अपनी बीवी के साथ जाते हैं। ये तो यहाँ बैठे शर्मा रहे होंगे कि लोग इन्हें देख रहे हैं इस रेस्टोरेंट में बैठे हुए। तो क्यों? इस रेस्टोरेंट में क्या खराबी है? ये इनके मेयार का नहीं है। अरशद ये क्या फिजूल बातें करने लगे? ये गलत किया है ना मिस्टर इफ्तिखार? दी और क्या, तो गोया आप और मैं दोस्त बन सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैं उम्र के उस हिस्से से गुजर चुका हूँ जिसमें दोस्त बनाए गए। पर मैं जो उसी उम्र में हूँ। तो आपके लिए अपने ही किसी हम उम्र का दोस्त बनाना मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होगा। मेरी हम उम्र आमतौर पर मेरी मर्जी के साबित नहीं होते, उनकी कंपनी में लगता है गोया महफूज नहीं। तब तो शुक्र है हम तेरे हम उम्र नहीं। तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो अंकल। अच्छा अब कहियो क्रीम रोल खाने के लिए। मेरे ख्याल में मैं अब चलूं। क्यों, ये मुआफिक नहीं है? मैं नहीं नहीं, अब आप इनकी बातों का ख्याल मत कीजिए, ये तो जो मुंह में आता है बक देते हैं। इतना तो आपने भी कह दिया कि आप मुझे दोस्ती के काबिल नहीं समझते। सॉरी, मैंने ये तो नहीं कहा। गोया मैं आपको दोस्त समझ सकती हूँ, मगर मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप कौन हैं, आप क्या करती हैं। यानी दोस्त बनाते हुए आप शख्स नहीं देखते, उसके शजर मर्तबे का ख्याल करते हैं। तो आपके ख्याल में दोस्त बनाने से पहले ऐसी वाकफियत जरूरी नहीं? बड़े लोगों में होता होगा। खैर छोड़िए इस बात, कंपनी में सेल गर्ल है, छोड़ो छोड़ो, खाक डालो उस पर। ये बताओ कि नई कार मिलने की उम्मीद कितनी फीसद? आप दफ्तर आएंगे तो मैं सारी तफसील बता दूंगा। सुनो, अगर तुम्हारी ये दोस्त मेरी बदअखलाकी का शिकवा करे ना तो तुम मेरी तरफ से मुनासिब तौर से माफी मांग लेना। अरे उसकी तबीयत को मैं जानता हूँ, वो तो अब तक भूल भी चुकी होगी। सितारा तो हो सकता है उस बात को भूल गई हो, लेकिन मैं कम से कम उस रात उस बात को ना भूल सका।
बीवी की गैर हाजिरी ने घर की तनाई को अलमनाक बना रखा था। बिकन उकताहट की बेकली में बार बार सितारा के क्रीम से लुथड़े हुए लाल और बड़े बड़े होंठ आपसे अब तो सफर की दुनिया में उभर आती और मेरा ख्याल उसकी आंखों में बार बार एक मजरूह आरजू और दर्दनाक अलामत देखता और मुस्तरब होकर जैसे बीवी के तस्वर से तस्कीन पाने की कोशिश करने लगता। एक दो ही रोज बाद कारोबारी मसरूफियतों ने सितारे के ख्याल को मेरे जहन से बिल्कुल महव कर डाला। रेस्टोरेंट की शाम को शायद तीसरा रोज था कि अशर नई कार के सिलसिले में मालूमात हासिल करने को सिपहर के वक्त मेरे दफ्तर में पहुंचा। उसे देखते मुझे बेख्तियार फिर सितारा ख्याल आ गया, लेकिन लाख ख्वाहिश के बावजूद भी मैं उसका जिक्र छेड़ना मुझे मुनासिब मालूम ना हुआ। बड़े डैशिंग लग रहे हो, चक्कर क्या? ये सितारा पर क्या जादू कर दिया तुमने? सितारा? कौन सितारा? अच्छा हाँ वो, क्यों क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, जब भी मिली कुरेद कुरेद कर तुम्हारे मुतालिक पूछती। मेरे मुतालिक क्या बात पूछती रही? ये कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, शादी हुई है या नहीं हुई है, इतने मगरूर क्यों हैं? और पता नहीं क्या क्या पूछती। उसे ये सारी बातें मालूम करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मुझे क्या पता, शायद इसलिए है तुम इस उम्र में भी तीर चलाने से बाज नहीं आते। सही कह रहा हूं, बीसियों लोगों से मिलवाया मैंने सितारा को, पलट कर नहीं देखा उसने किसी की तरह। ऐसे फजूल बातें मत करो, समझे? उसकी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, कुछ तो ख्याल करो। क्यों है? क्या उम्र है? उम्र 80-80 साल के बुढ़े 20-20 साल की लड़कियों पर लट्टू नहीं हो जाता? अच्छा बस जाने तो, तुम्हारे जहन में भी ना अजीब अजीब ख्याल आते। मेरे जहन में मुझे चलता हूँ गाड़ी ठीक करा दी। तुम्हारे दिल के अंधेरे में एक सितारा चमकने लगा है। क्या हर्षद का ख्याल सही है? हैरत के साथ फख्र के एक मसरूर बख्श एहसास ने मुझे मुस्तरब कर दिया। हर्षद तो चल दिया, लेकिन मेरी तबीयत काम पर से उखड़ चुकी थी। चंद जरूरी कारोबारी चिट्ठियां लिखनी थी, कागज सामने था, कलम हाथ में, लेकिन मजमून खत सोचने की बजाय मेरे दिमाग सितारा के चेहरे की रानाइयां दरियाफ्त करने से बाज ना आता था। नाचार मैंने कलम हाथ से रख दिया और आते हुए खुमार को चढ़ने की इजाजत देने के लिए आंखें बंद करके बैठ रहा। इस दौरान में दिल ने धड़क धड़क कर कहना शुरू किया कि एक बार उससे मिलकर तो देखो, जो कुछ अरशद कह गया है उसकी तस्दीक तो करो। सितारा के दिल से कम अज कम यह ख्याल तो रफा कर दो ना कि तुम मखरूर हो।
देखिए आपके उसको नूरजहां का रिकॉर्ड मिल सकता है? हाँ सितारा, आप इस दुकान में काम करती हैं? जी हाँ, मगर रिकॉर्ड के लिए कल तशरीफ लाइएगा, दुकान बंद होने का वक्त हो गया। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जी नहीं, पहचान लिया। तो रिकॉर्ड मिलने की कोई सूरत नहीं हो सकती। लतीफ साहब आखिरी ग्राहक भुगता रहे हैं और मेरे घर जाने का वक्त हो रहा है। खुदा हाफिज़ लतीफ साहब। गुड नाइट। सितारा, आप पैदल घर जाती हैं? जी नहीं, मैं आमतौर पर। चलिए मैं आपको घर पहुंचा दूं। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं समझता था कि आप तकल्लुफ नापसंद करती हैं। हमेशा नहीं, अपनी हैसियत का ख्याल मोहतात बना देता है। मेरी उस शाम की बातों की तरफ इशारा है? जी नहीं, अपनी बेतकल्लुफी की तरफ। देखिए, आपको मेरी तरफ से कुछ गलतफहमी हुई है। बहरहाल तजलील का इम्कान तो घट गया ना। देखिए, आप पर साहब जी, चंद बातें हैं जो मुझे आपको समझाना बहुत जरूरी है। वो बातें ना समझी और ना समझाई गई तो क्या बिगड़ जाएगा? हमारा एक दूसरे पर दोस्ती बल्कि वाकफियत का भी तो हक नहीं है ना। सही, आप कार में मेरे साथ चले प्लीज। ना चलेंगी तो मैं बाकी आपको शुक्रगुजार हूँ। वाहि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाऊं तो ज्यादा मुनासिब ना होगा? क्यों? एक सेल्स गर्ल का आपके बराबर बैठना ज्यादा सजेगा नहीं ना? तंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पीछे बैठने से एक फायदा जरूर होगा कि लोग हमारे मुताबिक नामुनासिब गलत फहमी में मुबतला ना हो पाएंगे। आइए। यही रोक दीजिए, मैं पैदल उतर के चली जाऊंगी। एक सेकंड, उतरने से पहले मैं एक बात वाजे करना चाहता हूं। उस रोज आपने मेरे मुतालिक बहुत गलत अंदाज रखा है, बहुत गलत। मुझे अपने बिजनेस पर न कारोबार पर कोई नाज नहीं है और ना मैं किसी एतबार से ना अपने आप को आपसे बढ़कर शख्स समझता हूं। इंसानी मसावात मेरे अकायद में शामिल है। हाँ, लेकिन माशरा जो इंसान पर कैद आयद करता है उस पर अमल पैदा होना ये जरूरी समझता हूं मैं। माशरा एक शादीशुदा शख्स से उन एहतियातों की तवक्को रखता है जिससे उसकी शादीशुदा जिंदगी में खलल ना पड़े, ये बहुत जरूरी है। यानी बीवी का डर। देखिए सितारा, इसमें डर की कोई बात नहीं है। मैं अपनी बीवी की इज्जत करता हूँ, उनके हुकूक का एहसास रखता हूँ।
तो क्या उनके हुकूक का एहसास आपको किसी लड़की को दोस्त मानने से मना करता है? उस वक्त तक जब तक मुझे इस बात का यकीन ना हो जाए कि इस दोस्ती से पेचीदगियां पैदा ना हो। और मुझे दोस्त समझने में पेचीदगियां पैदा होने का अंदेशा था। इसी ख्याल से मैंने आपके मुतालिक मालूमात हासिल करना चाही थी। तो मालूमात हासिल करने के बाद अब क्या ख्याल है? आपके मुतालिक पहले जो मेरा ख्याल था वो बहरहाल सही नहीं था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत है। पहले ये वजह बताइए कि आपका दिल मेरी तरफ से साफ हो चुका? ना भी हुआ हो तो क्या मुजायका है? क्यों? कर क्या सकती हूँ? कम से कम मुझसे सवाल कायल हो जाने ही सब कुछ नहीं होता। तो फिर मुझे और क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। ओ, मैं चलती हूँ। वो सामने दुकान से डेविड गुजरा है, अगर उसने मुझे कार से उतरते देख लिया तो तूफान खड़ा कर देगा। मगर अभी तो हमारी बात भी नहीं खत्म होनी पाई। फिर हो जाएगी, अब मौका नहीं है। मगर सुनिए कल कार इसी वक्त यहाँ ले आइएगा, मैं आ जाऊंगी। गुड नाइट। किन ख्यालों में गुम है इफ्तिखार मियां? अरशद ने जो सितारा के लिए आपके दिल में तवक्कुआत पैदा की थी वो पूरी ना हुई हैं। और आपके मुतालिक जो सितारा को गलत फहमी थी वो भी उस तरह रफा ना हो सकी जिस तरह से आप चाहते थे। और आखिर आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप अपनी पुरवकार तरह से जिंदगी में ये नामुनासिब खलल डालें? और फिर उसको क्या हक पहुंचता है कि वो आपसे इस तरह से उखड़ी उखड़ी और रुकी रुकी बातें करें? देखिए, हाथ डालिए इस मसले पर। अगले रोज रात के 9 बजे मैंने अपनी कार ठीक उसी जगह खड़ी की जहां सितारों को मैंने पिछली रात उतारा था। ओ, आप आए मैं? How sweet of you. अभी तो बहुत अंधेरा है, आपके साथ आगे बैठ जाऊं? बैठ जाइए। हाय, कितनी आरामदेह सीट है। अगर आप मसरूफ ना हो तो कहीं ले चलिए ना, किसी अंधेरी और लंबी ड्राइव पे। अजीब बात है, आपके साथ मेरे दिन में किसी किस्म का अंदेशा पैदा नहीं होता। ये फरमाइश मैं किसी और से ना करती, अंकल अरशद से भी नहीं, डेविड से भी नहीं, बल्कि मैं तो डेविड। डेविड कौन है? ये डेविड जिस मकान में मैं रहती हूँ उसका मालिक है। जुबान से तो कभी नहीं कहता लेकिन उसकी निगाहें हमेशा कहती रहती हैं कि मुझे दीवाना वार चाहता है। पर क्या करूँ, उससे डर भी लगता है, मकान का मालिक है, चाहे तो मुझे घर से बाहर निकाल दे। फिर भी अगर सताने पर ही आ जाए तो? इसीलिए मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि उससे बिगड़ने ना पाए। आह, कितनी ठंडी हवा है ना, कितना मजा आ रहा है ना।
इंसान के पास दौलत हो तो दुनिया में कैसी कैसी नेमते हैं। एक सिगरेट सुलगाइए, पर जलाऊंगी मैं। आपका लाइटर कैसे जलता है? अच्छा ऐसे, देखा, लीजिए सुलगाइए सिगरेट। मैं आप सिगरेट बिल्कुल नहीं पीती, लेकिन अगर कोई दूसरा महंगा सिगरेट पी रहा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका सिगरेट कौन सा है? इस्तांबुल 666। बहुत बढ़िया है, आज आप बहुत खुश मालूम होती हैं। सच कहा आपने, आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। पहले हमेशा रहा करती थी, मगर जब से डैडी छोड़ के गए। क्या कहा? डैडी छोड़ के गए क्या माने? पता नहीं कहाँ चले गए, 2 साल हो गए उनका कुछ पता नहीं। तभी तो मुझे नौकरी करनी पड़ी। क्यों घर छोड़ के गायब हो जाना अजीब बात है, मगर कुछ तो हुआ होगा। होता क्या, He was a drunkard. पीकर मेरी आंटी से जो हमारे साथ रहती हैं, उनसे लड़ते रहा करते थे और लड़खड़ाते हुए घर से बाहर चले जाते थे। एक दफा ऐसे गए कि फिर लौट कर ही नहीं आए। खैर छोड़िए इस किस्से को, इस रात का लुत्फ उठाने दीजिए, ना जाने ये मौका फिर मिले ना मिले। आपको कार में बाहर जाना इस कदर पसंद है तो फुर्सत की किसी शाम फिर ले चलूंगा। फुर्सत की शाम? ये मसरूफे तो होती है ना। कल शाम मसरूफ है? कल कुछ ख्याल नहीं। जो मसरूफियत याद ना रहे वो जरूरी नहीं हुआ करती। ओ अब याद आया, डेविड ने कहा था हमारे यहाँ आके मुझसे 25 खेलेगा। कैसा खोल रहा होगा बैठ के। पर अगर वो मसरूफियत याद रह जाती तो इस रात का लुत्फ कैसे उठाती? आप तो डेविड अगर पसंद नहीं है तो आप उसे इतना दबकर क्यों रहती हैं? मैं एक और वजह से भी उसे बिगाड़ना नहीं चाहती। किस वजह से? कौन जाने कल मजबूर होके मुझे उसे ही कबूल करना पड़े। ये कोई काबिल कदर वजह ना हुई। आप क्या जाने कि हम लड़कियां जिन्हें अपना मुस्तकबिल आप बनाना होता है उनके लिए इस दुनिया में किस किस मुश्किल का सामना है। कोई दूर अंदेश लड़की आड़े वक्त की मजबूरियों से गाफिल हो सकती है भला? अकेले में मैं ऐसी बातों पे जुजुब्स खाते हुए गौर करती हूँ। ओ याद आया, मेरे पास लेमन ड्रॉप्स हैं। कहाँ हैं? ये रहे, खाएंगे? मेरी खातिर। ठीक है, पर खिलाऊंगी मैं, मुंह खोले। हाय। मेरा मुंह ज्यादा नजदीक था। तुम क्या कर रहे हो सर? ये आपका दावतनामा है सर। क्या है? कल डिनर है। और तुम अभी तक सोए क्यों नहीं है? जा क्यों रहे? सर आपको खाना देना था। नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ, जाओ तुम सो जाओ। जा क्लब में डिनर, हाउ बोरिंग। तुम दो और कंजी सरों के दरमियान बैठकर उनकी जराफत पर हिल हिल हंसने के बजाय एक ऐसी लड़की जो बाप की शफ़क़त से दुनिया में महरूम हो चुकी हो और तन्हा और तुम्हारे साथ मोटर कार में बैठकर सिर्फ ड्राइव के जाने के लिए उसको एक ख्वाब और तसव्वुर समझती हो। खैर मियाँ, खुशियां बख्शना सवाब का काम है, क्या समझे?
माफ कीजिएगा पर मैं आज ड्राइव पर नहीं जा सकूंगी। क्यों? जी उदास है। फिर तो ड्राइव पे जाना और भी जरूरी है, तफरी हो जाएगी। बात क्या है? कोई खास बात नहीं। तुम्हें जी उदास क्यों हो गया? हो जाता है कभी कभी। अगर ड्राइव पे नहीं जाओगी तो क्या करोगी? घर पर बैठी रहूंगी अकेली। कई शामें ऐसी गुजार दी। यकीन नहीं आता, जब डैडी पी के निकल जाते थे तब भी घर पे उदास बैठी रहती थी। जब मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था ना, तब समझा था तुम बहुत हंगामा पसंद हो। बस कभी ऐसे कभी वैसे वक्त गुजर जाता है। अफसोस होता है। किस बात पर? एक नौजवान लड़की की इस कैफियत पर। आदी हो चुकी हूँ। आपको यकीन है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता? जी नहीं, शुक्रिया। समझ सकता हूँ। जिंदगी की यकसानियत से उकता गई हूँ। जो आप यकसान हो उसे जिंदगी की यकसानियत क्या उकताएगी? एक ख्याल आता है। क्या? परसों इतवार है, जैसे कहीं बात चलेंगे। कहाँ? दरिया पर मछली के शिकार खेलेंगे। जी नहीं चाहता। जी चाहे ना चाहे तरोताजा जरूर हो जाओगी। फिर वही सवाल होगा कि लोग मुझे आपके साथ देखेंगे। मुंह आधे चलेंगे और छापड़े लौटाएंगे। क्या फायदा? तुम अंदाजा नहीं कर सकती हो कि तुम्हें इससे कितना फायदा होगा। क्या कहती बोलो? कल बताऊंगी। मैं कल आऊंगा।
भी नहीं चल सकती। क्यों? क्यों? सुबह चलूंगी। डेविड आया हुआ है ना, उससे छुपकर आई हूँ। सुबह 4 बजे यहाँ ही आ खड़ी होंगी। सितारा, मैं तो सब चीजें इकट्ठी करके ले आया था। हाँ, अभी मुश्किल है ना, कल 4 बजे। हाँ चलो, तुम्हारी मर्जी। हाँ वो मैं सुबह सुबह निकलूंगा। दरअसल वो जिस साहब के साथ जाना था ना, वो उन्हें कोई मसरूफ निकल आएगी। ठीक है, सुनो मुमताज जी सर, एक तो सुबह तुम मुझे उठा देना, दूसरे सैंडविच और चाय का सामान तो कुछ फल वगैरह देना, ठीक है? ये बंसी और डोली। सुबह सुबह मछली का तगड़ा फंसती है। मुझे मछली पकड़ना नहीं आता, मैं इसे भूने का बंदोबस्त करती हूँ। उसकी क्या जरूरत है, रश्मि अपने साथ लाया हो। चले मछली रात को खा लेंगे, भून के ना खाई तो मजा नहीं आएगा। भूनने के लिए सामान भी तो नहीं है। सामान क्या चाहिए होता, मक्खन, नमक, मिर्च, नाश्ता दान का बर्तन, सब कुछ तो है हमारे पास। और चूल्हा, वो मैं भी बना लेती हूँ। करें रात के खाने की तैयारियाँ। पहले मछली तो पकड़ ले। लगता है फंस गई, आ गई। ये खुश? बहुत खुश। मालूम होता है मैं नए सिरे से जवान हो गया हूँ। वजह? ये तरोताजा हवा, खुशगवार मौसम, मस्ती का शिकार, लजीज खाने और फिर ये अपने सारे छोटे छोटे काम खुद अपने हाथ से करना बहुत अच्छा लगा, बड़ा लुत्फ है। इन वजहों में मैं शामिल नहीं हूं। क्यों, तुम क्यों नहीं? सबसे बड़ी वजह तो तुम ही हो। सिर्फ ये कि मैं कहना ना चाहता था। क्यों, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत? अब सितारा, यानी तुम जानती हो कि मैं एक शादीशुदा शख्स हूँ। शादी करके क्या दिल नहीं रहता या आंखें जाती रहती हैं? ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शादी की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। क्या आप मुझे किसी तरह इतना नहीं बना सकते कि आपकी इन जिम्मेदारियों में खलल ना पड़े? ये कैसे हो सकता है? आप मुझे कहीं अलग रख सकते हैं, दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में, जरा सी देर को आकर मुझसे मिल सकते हैं। मैं सच कहती हूँ, मैं कभी आपसे बेतनाई का शिकवा नहीं करूंगी। आप थके हारे जैसे भी मेरे हिस्से में आएंगे, उसी से मेरी जिंदगी बामकसद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी जिंदगी बलक किस काम की?
डैडी मुझे इसका आदी बना चुके हैं। तुम्हें ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। मतलब आपके दिल में मैं जरा सी जगह भी नहीं पा सकती? ये बात नहीं है, तुम्हें किसी भले से नौजवान से ना शादी कर लेनी चाहिए। नौजवान? रेस्टोरेंट नौजवानों से भरा होता है, मगर मैं महज डर के उनसे यूं मिलती हूं कि लगे कि मैं शादी की किस्म ही नहीं हूं। और ये डेविड, ये तुम्हें पसंद नहीं है? ना पसंद नहीं, मगर शादी फर्ज समझ के तो नहीं कर सकती। सितारा, तुम अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल और पेचीदा क्यों बनाना चाहती हो? दिल को कैसे बदलूं? दिल की इस माशा में कोई जगह नहीं है। हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने ना हमको इतना जकड़ दिया है कि चाहे भी तो उनसे अलग नहीं हो सकते। इस सोसाइटी का मैं भी एक ऐसे ही मजबूर फर्द हूं। जिस तरह दुनिया मुझे देखना चाहती है ना, मुझे वैसे ही रहना पड़ेगा, चाहे मेरा दिल चाहे या ना चाहे। सितारों, तुम्हें भी दुनिया का चलन देखना होगा। अच्छी बात है, देखूंगी। बस उसके बाद खामोशी के वक्फे लंबे हो गए। अल्फाज के इस्तेमाल में किफायत शारी राह पा गई। हम जैसे अपने अपने अंदर धस गए। नामालूम से अंदेशों ने मुझे शर कर रखा था। मैंने चुपचाप चीजें पैक की और सितारा यूं बैठी रही जैसे ट्रेन के हाथ आने के बाद मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर गुमसुम पड़ा रहता है। कल मैं आऊं? जी जरूर। जिंदगी की अक्सानियत तोड़ने और तरोताजा करने के लिए थैंक्स। मैं हसरतनाक ख्यालात में उलझा हुआ लौट आया। सितारा को बात ना कहनी चाहिए थी जो उसने कही। उसने एक रस भरी और ललीज दोस्ती में ना नहायत ही नामुनासिब खलल डाल दिया। बेगर्ज मुलाकातों की बेतकल्लुफी खारत कर डाली। लेकिन जो कुछ उसने तजवीज किया था वो किसी तरह मुमकिन भी था? हरगिज़ नहीं। ये किसी तौर मुमकिन नहीं था कि मैं अपनी बीवी के साथ मुसलसल फरीब की जिंदगी गुजारूं। मैं ये समझने से कासिर था कि सितारा और मेरी आंदा मुलाकातें किस टाइप की होंगी। लेकिन अगले रोज जैसे सितारा ने खुद उसका हाल बता दिया।
हेलो स्वीटी, आप आ गए जी। अब बोलिए कहाँ चलिएगा? जहाँ ले चलिए। क्रीम रोल खिलाएंगे, बड़ा जी चाह रहा है। क्रीम रोल अगर उसके लिए तो रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। ओ नो, क्या मैं जानती नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कार कहीं दूर खड़ी करेंगे, आप उधर के लिए आइएगा। ओके ठीक। क्या हुआ? क्रीम रोल खाने का आपका भी जी चाह रहा है ना? क्या हो गया? कुछ नहीं, यूं ही ख्याल आ गया था। यूं ही ख्याल आ गया था? ओह डेड डेड डेड। खाने को जी तो नहीं ललचा रहा है? जी नहीं। अच्छा एक बात बताइए। क्या? आपने कभी शराब पी है? जी जी नहीं। और किसी को पिलाना भी ना पसंद होगा? जी हाँ। और अगर कोई अपने पैसों से आपके साथ बैठ के पिए तो? तो पीता रहे, मुझे क्या। और अगर मैं पीऊं तो? तो मुझे बेहद अफसोस होगा। बेहद अफसोस? उस दिन और आने वाले दिनों में वो इसी किस्म की उल्टी पुल्टी बातें करती रही। मुझे उसकी बातों से वहशत सी होती थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैं ना उसे महबूबा बनाकर रख सकता था और ना उसे शादी कर सकता था। एक दिलचस्प दोस्त की हैसियत से वो ठीक थी। मैं उसके साथ वक्त सर्व कर सकता था, उसकी इमदाद कर सकता था, अपने जो शौक वो रुपए की कमी की वजह से पूरे ना कर सकती थी उन्हें पूरा करने में मदद दे सकता था। लेकिन इतने से ज्यादा कौन था वो? फारूकी साहब का फोन था? नहीं सर, वो बेगम साहब थी, वो बता रही थी कि आज रात 8 वाली ट्रेन से आ रही है। अजरा के आने के बाद सितारा का क्या बनेगा? उसके मुताबिक एक अजीब तरह की जिम्मेदारी का एहसास सताने लगा। बहुत सोच विचार के बाद आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं उसकी सिर्फ एक ही खिदमत अंजाम दे सकता हूं, और वो ये कि मैं डेविड से मिलूं। ऐसे बेटा क्यों भाई, ये मिस्टर डेविड कहाँ रहते हैं? कौन? मिस्टर डेविड। वो कौन?
ख्याल में इन दुकानों और क्वार्टर्स इनके मालिक। ये क्वार्टर जो है ये तो मंजूर लाई साहब के। मिस्टर डेविड मेरे ख्याल में शायद जो साथ वाले क्वार्टर हैं उनके मालिक होंगे। ठीक है, साथ वाले क्वार्टर के मालिक तुम राजदिन ठेकेदार हैं। तो मिस्टर डेविड किन क्वार्टर्स के किन दुकानों के मालिक हैं? मिस्टर डेविड यहाँ के किसी क्वार्टर के मालिक नहीं है। डेविड नाम का कोई नौजवान भी यहाँ नहीं आता? नहीं जी, हमने तो किसी का ये नाम नहीं सुना। पता है मिस्टर डेविड कहाँ होते हैं? नहीं जी, यहाँ कोई डेविड नहीं रहता। मिस सितारा इधर ही गली में रहती है ना? हाँ जी, वो आगे रहती है। मिस्टर डेविड ने मुझसे कहा था कि वो इधर ही करीबी इसी महल में रहते हैं और उनका पता यहाँ किसी से भी मालूम किया जा सकता है। हम नहीं किसी डेविड को जानते। अर्शद, तुम डेविड को जानते हो? अरे वही डेविड जिसका सितारा ने जिक्र किया था। वैसे मेरे कभी नहीं, ये सितारा किस किस्म की लड़की वाकई हुई है? लोगों को बनाकर ना वो अपना उल्लू सीधा करती है। आज मुझे डेविड की हकीकत मालूम हो गई और साथ ही तुम्हारी भी। गनीमत है कि बहुत सी गलत फहमियां दूर हो गई। आइंदा से मुझे अजनबी तस्वर फरमाइए तो नवाजिश होगी।
वेरी स्टाइलिश. ये क्या सिगरेट लाइटर है? क्या बात है, कुछ मुझे चुप चुप से लग रहे हो. नहीं तो ऐसा लगता है जैसे तबीयत पर कोई बोझ सा हो. कुछ भी नहीं, बस खामा खा ऐसी तो कोई बात नहीं. चलो ना सही. हाँ शुक्र है लाइट तो आ गई. लो भाई मैं तो चलती हूँ, जाके नहाती हूँ, उसके बाद सोते हैं. बेहद थक गई हूँ मैं तो. कितना आराम है, इतना मेला से महसूस कर रही थी मैं अपने आप को. तुमको तो पता है मैं सफाई के बारे में कितनी पर्टिकुलर हूं. हाँ साहब जाग रहे हैं. मुमताज क्या बात. सर वो मिस तारा आपसे मिलने के लिए आई हैं. मिस सितारा. ये सितारा कौन? वो है एक सेल्स गर्ल है, मैं उसे अपने यहाँ चाय पे रखना चाहता हूँ. हाँ मगर इस वक्त. सुनो मुमताज, उनसे कह दो मुझे दफ्तर में मेरे. सर वो इसी वक्त मिलने पर जोर दे रही हैं, कहती हैं बहुत जरूरी काम है. तो जाओ जाके भुगताओ उसे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है. नहीं मुमताज, तुम उनसे कह दो कि साफ सो गए. कहा था वो, कहती है जगा दो, गोल कमरे में आ गई है जी. क्या मुसीबत है. कह रही हूं ना, जाओ जाके मिला उसे, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सोने लगी हूं. खत मिलने के बाद आपका मेरे घर आना और वो भी इस वक्त इतनी रात को मुनासिब बरकत नहीं है. मेरी बीवी आज ही शाम कराची से पहुंची है. आपको अगर कोई से बात करनी है तो आप कल मेरे दफ्तर आइएगा. आपका खत मिला और मुझसे रहा नहीं गया. बहुत बुखार था लेकिन आपको सब कुछ जल्द से जल्द बताना जरूरी मालूम हुआ. मुझे कुछ मालूम करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये मेरे लिए जरूरी है. आप सिर्फ इस बात से बदसन हो गए कि डेविड कोई नहीं है.
आपने ये समझा कि मैं डेविड का जिक्र आपके सामने आपके दिल में उसके खिलाफ रश को रकावट पैदा करने के लिए करती हूँ? देखिए ये सारी बेकार बातें और मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपने डेविड को सिर्फ अपने नुक्ता नजर से देखा, एक लम्हे के लिए भी ये कोशिश नहीं की कि उसकी मेरी जिंदगी में मुझे किस कदर जरूरत है। होगी होगी। जिस लड़की का कोई मर्द खबरगीर ना हो, जो रेस्टोरेंट में नौजवानों के लिए महज एक दिल लगी की चीज हो, जिसकी जवानी किसी मर्द की रफाकत के बगैर महरूम हो, उसने अगर अपने बेगानों में महज वक्त हासिल करने के लिए एक ख्याली चाहने वाला इजाद कर लिया, तो उसने किसी का क्या जुर्म किया? नहीं किया तो ठीक है। उसने अगर आपसे चाहा तो सिर्फ इतना जो एक औरत किसी मर्द से कम चाह सकती है, और जब उसे वो नहीं मिला तो उसने आपसे सिर्फ ये उम्मीद की कि आप भी उसके लिए उन नौजवानों की तरह सिर्फ एक मर्द बने रहे। लेकिन आप उसको भी बहुत समझ रहे हैं, मेरी जिंदगी से यूं निकल जाना चाहते हैं जैसे मेरा बाप निकल गया था। देखो इस किस्म की बातों के लिए ना तो ये जगह मुनासिब है ना ही मौका। बेहतर यही होगा कि तुम इस वक्त यहां से चली जाओ, कल दफ्तर आ जाओ, वहां खुल के बात करेंगे। कर क्या खुल के बात होगी? बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं जानती हूं कि आपको भी मुझसे मोहब्बत है, लेकिन आप कभी भी और फिर सितारा की आंख कभी ना खुली, वो चली गई और सितारा के नाम मेरे खत ने पुलिस को मेरा सुराख दिया। जिस गाड़ी से सितारा की टक्कर हुई थी उसके ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए ये बयान दिया कि मैंने सितारों को उसकी गाड़ी के सामने धक्का दिया था। तो आपके इस आखिरी और मुफस्सल बयान से एक बात वाज़े हो गई कि बिलाखिर सितारा की मोहब्बत आपकी बीवी की मोहब्बत पर गालिब आ चुकी थी। इससे क्या फर्क पड़ता है वकील साहब के मुझे उससे मोहब्बत थी या नहीं? हाँ मैं इस वक्त ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर मुझे दोबारा शादी करने की आजादी मिले तो मैं फिर भी अजराही को अपनी बीवी बनाऊंगा। अगर मुझे इन बंदिशों से आजाद होकर स्पुतनिक में बैठकर आसमान की खुली फिजाओं में
सिर्फ एक साथी को ले जाने की इजाजत होगी तो भाई मैं सिर्फ और सिर्फ सितारा को ले जाऊंगा अपने साथ, सिर्फ सिर्फ सितारा को ले जाऊंगा। पता नहीं मैं सितारा का मुजरिम हूं या अजरा का, लेकिन अदालत का फैसला शायद मुझे अपने आप को समझने में मदद दे सके। अदालत ने मुझे बरी कर दिया, अजरा ने भी माफ कर दिया, लेकिन सितारा के ख्याल से मैं कभी आजाद ना हो सका।